हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू द पपाया कोलर्स एंड माय नेम इज़ अल्ताफ रजा। एंड आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं JWT ऑथेंटिकेशन। तो हम स्प्रिंग बूट में JWT ऑथेंटिकेशन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस लेक्चर में हम केवल ओवरव्यू देखने वाले हैं, क्योंकि हमें थियोरेटिकल समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम थियोरेटिकल नहीं समझेंगे कि एग्जैक्टली हमारे प्रोजेक्ट में होने क्या वाला है, तो हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो ये हमारा JWT ऑथेंटिकेशन है और यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स पहले से ऐड कर दिया ताकि मैं इसके हेल्प से आपको समझा सकूँ कि हमें कौन से स्टेप पहले फॉलो करना है। हालांकि आप इनमें से कोई भी स्टेप पहले फॉलो कर सकते हैं अगर आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हैं तो, और अगर आप बिगनर हैं तो जैसे मैं स्टेप बताया हूँ आपको एग्जैक्टली वैसे स्टेप को फॉलो करना है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो ये जो हमारा JWT जो ऑथेंटिकेशन है, ये हमारा टोकन बेस होता है, यानी कि ये हमारा टोकन पे काम होता है। तो अब टोकन का क्या लॉजिक है, इसके लिए मैंने एक डायग्राम आप पहले से बना कर रखा है ताकि मैं इसको अच्छे से समझा सकूं। तो मैं पहले आपको वो चीज़ दिखाता हूं और टोकन का यूज़ क्या है और वो कैसे टोकन हमारे प्रोग्राम में यूज़ होता है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ पहले। तो मैंने यहाँ पे जो हमारा, पहले तो मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जो हमारा JWT ऑथेंटिकेशन है ये पूरा टोकन बेस है, यानी कि जितना हम काम करेंगे टोकन क्रिएट करेंगे, टोकन को पास करेंगे, तभी हम API को एक्सेस कर सकते हैं। और हम JWT ऑथेंटिकेशन पे स्विच क्यों किए, अगर उसमें बेसिक ऑथेंटिकेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, तो हालांकि आप वहाँ पे देख रहे थे, हम जब बेसिक ऑथेंटिकेशन जब हम कर रहे थे तो हमें बार बार अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड बार बार लॉगिन करना पड़ रहा था, देन हम API को एक्सेस कर सकते थे। और JWT ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, हम बस एक बार लॉगिन करेंगे, यानी कि एक बार मैं अपना यूज़र नेम डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, एक बार मैंने इंटर किया और हमें आउटपुट में एक टोकन जनरेट होकर मिल जाएगा। तो हम जब भी किसी API को एक्सेस करने जाएंगे तो हमें दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस वो टोकन पास कर देंगे कि जो हमारा एक बार स्टार्टिंग में जो जनरेट हुआ था, बस हम वो टोकन पास कर देंगे तो हम किसी भी API को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा फ़ायदा होता है स्प्रिंग बूट में JWT ऑथेंटिकेशन यूज़ करने का। तो टोकन का क्या यूज़ है, कैसे काम करता है, मैं आपको वो सब समझाता हूँ। तो मैं पहले आता हूँ ये एग्जाम्पल में, और यहाँ पर मान लो ये आप लोग, और आपको अभी आपने बहुत जगह देखा होगा कि हम कहीं जाते हैं तो हमें अगर कुछ ख़रीदना होता है तो एक तो प्रोसेस ये होता है कि सिंपल हम पैसा देते हैं और हमें आउटपुट में वो जो भी हमें लेना होता है वो चीज़ें हमें मिल जाती है। बट मैंने कई जगह नोटिस किया है और आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी हम कुछ खाने के सामान पर जाते हैं तो, या फिर हमारे स्कूल में कॉलेज में जहाँ भी आपने ऐसा देखा होगा, ऐसा काफ़ी जगह होता है कि अगर आपको कुछ खाना हो, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया समोसा का, अगर आपको एक समोसा खाना है तो इसका काउंटर साइड में बना रहता है। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जो काउंटर पर जो इंसान बैठा रहता है उसको आप सबसे पहले पैसा देते हैं कि हाँ मुझे समोसा खाना है, तो वो क्या करता है, पैसा लेता है और आपको एक टोकन जनरेट करता है, यानी कि एक टोकन आपको दे देता है। और वो टोकन को आप क्या करते हो, जहाँ पे शॉप है, शॉप पास में ही रहता है, ये काउंटर है, बगल में शॉप है, तो आप सिंपल क्या करते हो, वो टोकन को क्या करते हो, शॉप के पास जाते हो, टोकन दे देते हो कि भाई ये टोकन है मेरे समोसे के लिए, ये आप टोकन चेक कर लो सही है या नहीं, और आप मुझे समोसा दे दो। तो वो टोकन लेगा और टोकन को चेक करेगा कि ये हमारे दुकान का ही टोकन है या नहीं, या फिर कहीं बाहर से, या फिर कोई और टोकन भी ला सकता है। तो ये पहले चेक करेगा कि टोकन एग्जैक्टली सही है या नहीं। तो टोकन चेक कर लिया, हाँ टोकन सही है, देन आपको आउटपुट में जो आपका जो जिसके लिए आपने पैसा पेमेंट किया था वो आपको आउटपुट में आपको यहाँ पर दे सकते हो, समोसा आपको मिल चुका है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने पैसा दिया और सेकंड स्टेप में आपको टोकन जनरेट होकर मिल गया, और थर्ड स्टेप में आप उसी टोकन को पास करके आपने समोसा गेट कर लिया। तो ये लॉजिक होने वाला है, हमारा टोकन ऐसे ही हमारा प्रोग्राम में भी वर्क करता है। पैसे की जगह पे आपको यूज़र एक बार ऐड करना होगा एंड यूज़र का पासवर्ड डालना पड़ेगा, यानी कि जहाँ पे मैं मनी लिखा हूँ आप समझ लो यहाँ पे यूज़र नेम होगा एंड पासवर्ड में लॉगिन होगा। आपने एक बार यूज़र नेम पासवर्ड इंटर कर दिया, देन क्या करेगा, वो आपको एक टोकन जनरेट करके दे देगा। अगर ये पहले चेक करके डेटाबेस में कि वो एग्जिस्ट करता है, यानी यूज़र पासवर्ड अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको एक टोकन जनरेट होकर मिल जाएगा। और जो आपको टोकन मिलेगा उस टोकन को आप क्या करेंगे, जब भी आपको किसी चीज़ को एक्सेस करना हो, यानी कोई भी API एक्सेस करना हो, यहाँ पे मैंने API को ट्रीट किया है एज ए समोसा की तरह, तो मुझे इसको एक्सेस करना है, यानी ये मुझे चाहिए, तो सिंपल उसी जो हमें टोकन जो मिला है उसी टोकन को मैं पास कर दूंगा, और जैसे टोकन पास करूंगा हमें वो चीज़ हमें मिल जाएगा। तो पूरा हमारा JWT ऑथेंटिकेशन इसी टोकन बेस पे वर्क करता है और हम ऐसे ही यूज करने वाले हैं इसको। तो ये सिंपल, मैं इसको एक बार अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊँ तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जैसे आप समझना हो आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, तो इतना हमने कर लिया।
अब इसके बाद हम चलते हैं अपने जो मैंने नोट्स जो पहले से रेडी करके रखा था उस नोट्स को पहले हम कंप्लीट करते हैं कि वो फॉलो करेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप, तभी हमारा वो चीज़ें क्रिएट भी होंगी। तो आ जाते हैं यहाँ पे एंड इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ एंड ये रहा हमारा JWT ऑथेंटिकेशन। ये हम मैंने कुछ स्टेप लिखा है, स्टेप्स टू बी फॉलोड, यानी कि हमें यही यही स्टेप फॉलो करके हमें बनाने हैं। सबसे पहले हमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेगी, यानी कि अभी तक आपको याद हो तो अपने प्रोग्राम में हमने बहुत सारे डिपेंडेंसीज ऐड किए थे, जैसे कि लॉन्गबुक का हो, डेटा JPA के हो और भी बहुत सारे हमने स्प्रिंग वेब सारे डिपेंडेंसीज हमने ऐड किया। वैसे ही हमें सिक्योरिटी का डिपेंडेंसीज ऐड करना पड़ेगा और JWT के तीन डिपेंडेंसीज और होते हैं, तो वो मैं जब अभी प्रोग्राम जब मैं स्टार्ट करूँगा तो वो भी मैं आपको समझा दूँगा वो तीन कौन से होते हैं। तो टोटल यानी कि चार, यानी कि आपको चार डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेंगी, वो मैं समझाऊंगा वो क्या ऐड करना है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिपेंडेंसीज ऐड करना है। आपने डिपेंडेंसीज ऐड कर लिया, इसके बाद हमें एक क्लास बनाना है जिसका नाम होगा JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट। क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अभी जो मैं जो बता रहा हूँ एग्जैक्टली आप यही क्लास का नाम बताइएगा, बट हालांकि आप बना सकते हो इसका नाम कुछ भी बना सकते हो। क्रिएट JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट एंड क्लास विच इंप्लीमेंट, और जो कि इंप्लीमेंट कर रहा होगा ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट, ये इसी को इंप्लीमेंट कर रहा है, दूसरे को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। क्लास का नाम भले कुछ भी हो लेकिन इंप्लीमेंट इसी को करना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट को। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप बिगनर हो और स्टार्टिंग से अगर आप बना रहे हो तो एग्जैक्टली आप ऐसे बनाना जैसे मैं बताऊँगा। आप एक सबसे पहले क्लास बनाइएगा जिसका नाम होगा JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट, और ये क्लास एक इंप्लीमेंट कर रहा होगा ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट को, जो कि एक इंटरफेस होगा एंड ओवरराइड कर देगा ये कुछ मेथड्स को, जो हमारा कमेंट्स मेथड है उसको ओवरराइड कर देगा। और इसका क्या यूज़ है क्लास का, इसका यूज़ ये होता है कि जैसे ही आप लॉगिन, यानी कि आपको आप जैसे यूज़र ने, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे पैसा दे रहे हो तो पैसा ये वेरीफाई करेगा कि ये पैसा भाई रियल में है या नहीं है। बहुत लोग फेक करेंसी भी चलाते हैं, तो एग्जैक्टली हम पैसे के टर्म में हम बात कर रहे हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो हम यहाँ पे अपना यूज़र नेम ऐड करेंगे एंड पासवर्ड ऐड करेंगे, तो वो डेटाबेस में पहले चेक होगा कि वाकई में यूज़र नेम और पासवर्ड है कि नहीं है, और अगर है तो पासवर्ड सब कुछ मैच है तभी टोकन जनरेट करेगा। तो ये पहला हमारा एंट्री पॉइंट होती है, तो सबसे पहले इसका काम है, ये एंट्री पॉइंट है, ये सबसे पहले काम क्या करेगा आपका, अगर ये डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर ये वैलिड मतलब आपने यूज़र नेम पासवर्ड कुछ भी गलत लिखा है, तो हमें यहीं पे स्टार्टिंग में हमें एरर आ जाएगा कि यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर जो हम एरर देना चाहें वो हम स्टार्टिंग में इसको एरर सेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है। इसके बाद आता है क्रिएट JWT हेल्पर क्लास इन विच यू यूज टू परफॉर्म एक्शन लाइक वैलिडेशन टोकन एंड जनरेट टोकन एंड ETC। तो हमारा जो दूसरा क्लास होगा, दूसरे क्लास का नाम हम रखेंगे JWT हेल्पर, ठीक है। तो हमारा इसके बाद एक और क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा JWT हेल्पर, और इस क्लास के अंदर हम बहुत सारे मेथड बनाएंगे जो कि टोकन को जनरेट करने के लिए, इसी के अंदर हम टोकन को जनरेट करेंगे, टोकन कैसे क्या प्रोसेस है टोकन को जनरेट करने के लिए और उस टोकन को वैलिडेट करने के लिए। तो जितने सारी हमारे एक हेल्पर की तरफ करते हैं, जब भी हमको टोकन जनरेट करना होगा तो इस क्लास में जो हमारा टोकन जनरेट जो हम लोग बनाए इसको कॉल कर लेंगे तो टोकन जनरेट हो जाएगा। तो हमने इसका नाम ही रखा है JWT हेल्पर, ताकि ये हमारे एक तरह से हमारा हेल्प करने वाला है। तो दो क्लास हमने देख लिया, एक डिपेंडेंसीज ऐड करनी है एंड देन हमें एंट्री पॉइंट ऐड करनी है, एंट्री क्लास ऐड करना है एंड देन JWT हेल्पर एक क्लास बनाना है, एंड इसके बाद हमारा JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर, हमें ये भी एक क्लास बनाना है JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर विच यूज्ड फॉर द फिल्टर पर्पज़, जो कि हमारा फिल्टर करेगा। फिल्टर का सेंस ये है कि जब हमारा टोकन जनरेट होगा तो टोकन जैसे ही हम पास करेंगे तो टोकन से कुछ हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड जो डिटेल्स होगा वो फेच करके वो वेरीफाई करेगा कि ये टोकन वैलिड है या नहीं, अगर वैलिड होगा तभी एक्सेस करने देगा वरना नहीं करने देगा। तो ये फिल्टर का काम करता है। और उसके बाद हम एक क्लास बनाएंगे JWT रिक्वेस्ट, जो कि मैं आपको समझाऊंगा। ये क्लास हमें सिंपल जैसे अभी तक क्लास बनाते आ रहे हैं, हमें क्लास ले लेंगे और रिक्वेस्ट करने के लिए, यानी कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड, हम जिस क्रेडेंशियल से हम चाहते हैं कि टोकन जनरेट हो तो वो चीज़ हम इसमें पास कर देंगे। यानी कि हम अगर चाहते हैं कि हमें यूज़र हमें अपना यूज़र नेम दे और क्या दे पासवर्ड दे, तो हम इसमें वो चीज़ पास कर देंगे, तो वो DTO में वैल्यू वो हमें मिलेगी।
तो ये हमें क्लास बनाएंगे रिक्वेस्ट के लिए, एंड देन हमें क्लास बनाएंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फिग, और इस क्लास के अंदर हम पासवर्ड इनकोडर का जो बीन है वो डिफाइन करेंगे, यूजर डिटेल्स का एक बीन होता है वो डिफाइन करेंगे, ऑथेंटिकेशन मैनेजर का एक बीन होता है वो डिफाइन करेंगे। और जब मैं ये क्लास स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फिग जब मैं कॉन्फ़िगरेशन जब मैं करूँगा तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पे बेसिकली आपको तीन चीज़ डिफाइन करना होता है और तीनों बीन होती हैं जो आपका स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फिग क्लास है। इसके अंदर हमें बेसिकली तीन बिन बनाना होता है, पहला पासवर्ड इनकोडर के लिए, दूसरा यूजर डिटेल्स सर्विस के लिए, एंड थर्ड ऑथेंटिकेशन मैनेजर के लिए। तो ये हमारा स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फिग में ये काम करने वाला है। इसके बाद हमें एक लॉगिन एपीआई बनाना है टू रिटर्न की, यानी कि जैसे मान लो हमने इतना सारा काम कर लिया और हमारा टोकन जनरेट हो गया तो टोकन को सेंड भी करेंगे, यानी जैसे हमने एक JWT रिक्वेस्ट बनाया है ऐसे JWT एक रिस्पॉन्स बनाएंगे। रिस्पॉन्स में हम बस एक एट्रीब्यूट लेंगे जो कि होगा टोकन, और टोकन वेरिएबल के अंदर हम जो भी हमारा टोकन इसके यहाँ पे जितना भी जो भी हमारा टोकन यहाँ पे जनरेट हुआ है वो टोकन इसके अंदर पास करके टोकन सेंड कर देंगे, ये रहा आपका टोकन, अब इस टोकन की हेल्प से आप API एक्सेस कर सकते हो। और एक बार हमें तो टोकन मिल जाएगा देन हम अपना जो भी अपना एप्लीकेशन है उसको हम टेस्ट करेंगे कि हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हो ये हमारा पूरा JWT ऑथेंटिकेशन इतना ही है, और जितना आपको ये समझ में आया है मैं एग्जैक्टली जब मैं ये चीज़ें जब प्रोग्राम में इनबिल्ड करूँगी सब सारी चीज़ें तो आपको और भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको डायग्रामेटिक व्यू में मैंने दोनों चीज़ समझा दिया कि हमारा इंटरनली टोकन कैसे वर्क करता है एंड हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करने वाले हैं टोकन जनरेट। मान लो एक बार टोकन जनरेट हो गया तो टोकन जनरेट करने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हमें वो चीज़ें मिलती हैं, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे भी आपको डायग्रामेटिक व्यू में समझाया था कि जैसे आपने यहाँ पे मनी लिखा है मैंने, तो मनी की जगह आपको इमेजिन करना है कि मेरा लॉगिन है एंड यूज़र नेम है एंड पासवर्ड है। जैसे आपने यूजर नेम पासवर्ड दिया आपको वो टोकन जनरेट कर देगा सिंपल, जो भी मैंने फ़िल्टर बताया, ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट बताया, जो भी चीज़ें थे JWT हेल्पर थी जो भी था उन सब चीज़ों के हेल्प से हमें टोकन जनरेट हो गया। अब ये टोकन जैसे ही जनरेट हुआ अब इस टोकन को हम फिर पास करेंगे, तो अब जैसे ही मान लो हम पास करने वाले हैं तो ये यहाँ पे हमारा फ़िल्टर वर्क करता है, यानी कि पहले ये चेक करेगा कि हमारा जो टोकन मिल रहा है एग्जैक्टली हमारा वही वैलिड टोकन है या नहीं। अगर टोकन वैलिड नहीं है और कुछ भी इसमें टोकन में अगर कुछ भी छेड़छाड़ हुआ है या फिर कुछ भी गलत है थोड़ा बहुत भी, तो हमें जो हमारा API है उसको ये एक्सेस करने नहीं देगा, यहीं ब्लॉक कर देगा। अगर आपने सब कुछ सही लिखा है, टोकन जो आपको पास हुआ है टोकन आपने वही एग्जैक्टली वही टोकन अगर आपने पास किया है देन आपको जिस चीज़ के लिए आपने रिक्वेस्ट किया है वो आपको चीज़ें रिस्पॉन्ड में आपको चीज़ें वो मिल जाएंगी। तो ये हमारा पूरा टोकन का फ्लो है, ऐसे ही हमारा टोकन काम करता है, और इस चीज़ को अचीव करने के लिए ये हमारे स्टेप्स हैं जो हम इन्हीं स्टेप को फॉलो करने वाले हैं जो कि हमारा डिपेंडेंसीज है। पहले डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, फिर ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट ऐड करेंगे, फिर हेल्पर क्लास बनाएंगे, फिर ऑथेंटिकेशन फिल्टर क्लास बनाएंगे, और देन हमें JWT रिक्वेस्ट बनाना है, एंड उसके बाद स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फिग बनाना है, एंड देन हमें एक रेस्पॉन्स क्लास भी बनाना है। जैसे ये रिक्वेस्ट क्लास है यहीं पर हम एक रेस्पॉन्स क्लास बनाएंगे जो कि हम API को जो हमारा टोकन है उसको सेंड करने के लिए, एंड देन लास्ट में अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे कि हमारा टोकन से काम हो रहा है या नहीं। तो ये कंप्लीट हमारा JWT ऑथेंटिकेशन था, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं हमारा ये कैसे वर्क करता है। तो तब तक के लिए बाय।